गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे थे, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को। आइए क्वेश्चन नंबर 116 पर आते हैं। मैंने क्वेश्चन को जूम कर दिया है। देखिए, कहता है इफ मोर इज डिमांडेड एट द सेम प्राइस और सेम क्वांटिटी इज डिमांडेड एट हायर प्राइस, इट इज नोन एज। मतलब कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी परचेज की जाए एट द सेम प्राइस और सेम क्वांटिटी इज डिमांडेड एट हायर प्राइस। इसका मतलब ये क्वेश्चन प्राइस रिमेन कांस्टेंट पे बात कर रहा है। प्राइस सेम है और आप जानते हो कि अगर सेम प्राइस पर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, सिचुएशन को हम इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी ये बता भी रखा है कि ऐसे सिचुएशन को हम इंक्रीज इन डिमांड बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि इफ मोर इज डिमांडेड एट द सेम प्राइस, मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं है। तो जब प्राइस में कोई चेंज है ही नहीं तो ये सिचुएशन इंक्रीज इन डिमांड है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 पे आ जाओ, 117। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग सेम डिमांड कर्व। मतलब डिमांड कर्व में क्या हो रहा है भैया, तो मूवमेंट हो रहा है, डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। डाउनवर्ड मूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी परचेस की जा रही है जब प्राइस घट रहा होगा, है ना। जाहिर सी बात है, जब प्राइस फॉल करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, तभी तो भैया मेरे डिमांड कर्व डाउनवर्ड आएगा ना। जैसे मान लो ये हमारा डिमांड कर्व है, प्राइस डिक्रीज हो गई तो डिमांड नीचे आ गया, तो डिमांड आपका चेंज हुआ ना। देखो डिमांड यहां से उठकर यहां आया, तो डाउनवर्ड मूवमेंट कब होगा, जब प्राइस में चेंज होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मोर इज डिमांडेड व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स फॉल, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए ही तो सबसे सही आंसर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 118 पर आते हैं। कहता है लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अच्छा, शिफ्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब डिमांड डिक्रीज हो रहा है और प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। क्या हो रहा है भैया, डिमांड डिक्रीज हो रहा है और प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि लेफ्टवर्ड शिफ्ट का मतलब ही है कि लेस क्वांटिटीज डिमांडेड, मतलब डिमांड डिक्रीज कर गया एट द सेम प्राइस। अब आप ही बताओ, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली सबसे राइट आंसर सी तो लग रहा है, लेस इज डिमांडेड एट द सेम प्राइस। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। ओके, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। एक बार आप लोग खुद से रीड कर लो पहले, फिर मैं पढ़ूंगा। देखिए इसमें क्या कहता है, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज डिमांडेड एट अ लोअर प्राइस, मतलब सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज की गई है एट अ लोअर प्राइस, इट इज नोन एज। इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे। अब आप ही बताओ, जब भी हम प्राइस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो ये क्वांटिटी डिमांडेड कहलाता है, और जब प्राइस में चेंज नहीं हो और वजह से चेंज हो, इससे हम इंक्रीज और डिक्रीज कहते हैं। तो कहता है व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज डिमांडेड एट अ लोअर प्राइस, मतलब प्राइस लोअर है और सेम क्वांटिटी है, इस सिचुएशन को क्या कहा जाएगा, सोच के देखिए। जल्दी आंसर दीजिए, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड, बताइए क्या होना चाहिए। थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग है। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। डिक्रीज इन डिमांड। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 पर आइए, 120। क्या कह रहा है, व्हेन लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड एट द प्राइस ऑफ गुड्स राइजेस देयर इज। क्वेश्चन को रिलैक्स होकर समझिएगा। When less quantity is demanded and the price of goods rises, there is, ये क्या सिचुएशन है।
अपवर्ड मूवमेंट होगा डिमांड कर्व में, सिंपल यार, एक्सटेंशन हो रहा है ना, इसका मतलब प्राइस घट रही है, नहीं सॉरी, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड घट रहा है, यानी डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट होगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो ये सब कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट है। इसको क्लास में तो डिस्कशन हम कर ही चुके हैं आपसे, है ना, तो इसको रहने देते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 132 पर आइए, क्या कहता है, इन केस ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व में क्या होता है, शिफ्ट टू राइट, शिफ्ट टू लेफ्ट? नहीं सर, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड कर्व में कोई शिफ्ट नहीं होता है, डिमांड कर्व में सिर्फ मूवमेंट होता है, ऑप्शन में कहीं भी मूवमेंट लिखा हुआ ही नहीं है, तो हम लिख देंगे रिमेन सेम। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 133। अब मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड? सर तीनों तो एक ही बात है, एक्सपेंशन में भी मूवमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्शन में भी मूवमेंट होता है, और एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन तभी होता है जब क्वांटिटी डिमांडेड होता है, तो राइट आंसर डी हो गया, लॉजिकल सी बात है, तीनों तो एक ही है, तो राइट आंसर डी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 134 पे आते हैं। चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस इज नोन एज, देखिए क्या बोलता है, चेंज इन डिमांड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू फैक्टर अदर देन प्राइस इज नोन एज, इंक्रीज और डिक्रीज, या चेंज इन डिमांड, या शिफ्ट इन डिमांड? अब इंक्रीज डिक्रीज तभी होगा जब प्राइस को छोड़कर बाकी फैक्टर में चेंज होगा, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं, है ना, ये ऑलरेडी हमें पता है, ये बात हम पहले से जानते हैं, तो भैया इंक्रीज और डिक्रीज ये भी एक ऑप्शन है, चेंज इन डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज में होता है, ये भी ऑप्शन सही है, शिफ्ट भी होता है इंक्रीज और डिक्रीज में, ये भी ऑप्शन सही है, तो सबसे सटीक आंसर क्या मिला हम लोगों को, डी, डी, ऑल ऑफ द अबव, है ना, ऑल ऑफ द अबव। कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 135। देखिए कहता है इंक्रीज इन डिमांड लेट्स टू, डिमांड में इंक्रीज होने से क्या होगा, जाहिर सी बात है डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, राइट आंसर बी, सिंपल, राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, ये तो ऐसे ही आप बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 136 पर आते हैं, कहता है विच ऑफ फॉलोइंग कुड रिजल्ट इन शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व शिफ्ट कब हो जाएगा, टैक्स बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, वेरी गुड, शिफ्ट किया, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, शिफ्ट किया, वेदर में कंडीशन में चेंज होगा, तो ये डिपेंड करता है कि वेदर कंडीशन फेवरेबल है या अनफेवरेबल, तो डिमांड में चेंज होगा ही, तो ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इस तीनों सिचुएशन में डिमांड में चेंज होगा, इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकता है ना, और उस केस में डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा, तो राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 137, शिफ्ट इन डिमांड डज नॉट टेक प्लेस ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट प्रेफरेंस, एडवर्टीजमेंट, ट्रेड कंडीशन, या चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी? आई थिंक सो चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, सिंपल बच्चों, शिफ्ट इन डिमांड कर्व कब नहीं होगा, प्राइस के केस में क्वांटिटी डिमांडेड होता है, और आप जानते हो कि इन सभी इस तीनों फैक्टर में जब भी चेंज होगा तो डिमांड कहलाता है, ये तो मैंने क्लास में कितना बार आपको बताया है। राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व फॉर अ ब्रेड वुड बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम अ डिक्रीज इन नंबर ऑफ ब्रेकफास्ट, अ चेंज इन टेस्ट, अ फॉल इन प्राइस ऑफ ब्रेड, या राइज इन प्राइस ऑफ कॉर्नफ्लेक्स? चलो जल्दी से एक बार
रीड करके बताओ क्या होना चाहिए। राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड फॉर अ ब्रेड, क्या होना चाहिए? अरे सिंपल यार, राइज इन प्राइस ऑफ कॉर्नफ्लेक्स। तुम लोग भी एकदम ध्यान से कुछ सुनते ही नहीं हो। चलो देखो इस फिगर को देखो, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर, इनकम है और डिमांड है। आपसे पूछ रहा है कि ये किस तरह के गुड्स को नरेट किया जा रहा है, मतलब डायग्राम में जो रिप्रेजेंट किया गया है। इन्फीरियर गुड्स, गिफन गुड्स, नॉर्मल और सुपीरियर गुड्स, या ऑल ऑफ द अबव, मतलब इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड बढ़ रहा है। सर इनकम बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, डायग्राम में तो नॉर्मल गुड्स हुआ, सिंपल और क्या। अच्छा इस फिगर को देखो, ओके बताओ कौन सा गुड्स है। इनकम बढ़ा, कुछ हद तक डिमांड इंक्रीज किया, लेकिन उसके बाद तुम देखना डिमांड का जो स्पीड है कांस्टेंट हो गया है। ऐसा कब होता है, किस गुड्स में पाया जाता है, बताओ जल्दी। अरे यार नेसेसिटी गुड्स में यार, जो नेसेसरी होता है ना। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज भी काफी क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कशन किया है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन।